जी को और माननीय सतीश चंद्र दुबे जी को राज्यसभा के लिए नाम प्रस्तावित किया और एनडीए के गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह दोनों उम्मीदवार हैं। क्या पार्टी के जो भी कार्यक्रम और कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी वहां तक है, सहयोगी दल के निर्णय सहयोगी दल करते हैं। जो कि अपेक्षित नहीं था, बहुत सारे नाम गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी चौंकाया नहीं जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है सारे पार्टी उसके साथ रहती है। एक भाजपा में निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ता ही जाते हैं, कौन जाएगा यह तो समय के साथ तय होता है। एक सीट से भाजपा ने बिहार में कई राजनीति साधे हैं, चाहे वो धानुक्स पटेल हो या युवा वर्ग को अट्रैक्ट करना हो, बहुत सारे चीजों को लेकर के ये समरुल लक्ष्मण पटेल का नाम है। देखिए, दोनों युवा हैं, दोनों 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, और भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, किसी दल ने पहली बार धानुक समाज के किसी युवा को राज्यसभा में भेजा है, और मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ कि एक अति पिछड़ा धानुक समाज के बेटे को उन्होंने राज्यसभा के माननीय सांसद बनाया। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है।